आदाब दोस्तों, मैं हूँ शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा है, फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा ने लाल कृष्ण आडवाणी को मुबारकबाद दी। लेकिन ये मुबारकबाद एक तंज से कम नहीं थी, और तंज भी ऐसा जिसमें हिंदुस्तान को बांटने का तंज कसा गया हो। हालांकि लंबी उम्र की शुभकामनाएं भी दी गई। दरअसल सीबीआई कोर्ट के जो सीबीआई की जो विशेष अदालत थी, उसने बाबरी मस्जिद विध्वंस के षड्यंत्र के केस में 32 आरोपियों को बरी कर दिया। उन 32 आरोपियों में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल थे। उन्हीं में से एक नाम था लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी पर आरोप था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस का षड्यंत्र रचा है। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रथ यात्रा की थी सबसे पहले बाबरी मस्जिद के खिलाफ, राम मंदिर को लेकर के सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक बाकायदा एक रथ यात्रा निकाली गई थी, जिसके बाद वहाँ पर कार सेवकों पर गोली चली, फिर वो टल गया। फिर 2 साल बाद दोबारा से 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। अब क्योंकि सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में फैसला सुना दिया है, जिस पर फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा ने लाल कृष्ण आडवाणी को मुबारकबाद दी, लेकिन ये मुबारकबाद किसी गुस्से से कम नहीं थी। अनुभव सिन्हा ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, लाल कृष्ण आडवाणी मुबारकबाद। देश की आत्मा पर खूनी रेखा खींचने के आरोप से आज तुम बरी हो गए। ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे। लेकिन ये आरोप जो है कि देश के ऊपर एक खूनी रेखा खींचने का काम किया है, हालांकि उस आरोप से वो बरी हुए हैं क्योंकि कोर्ट ने बरी कर दिया है। लेकिन क्या वाकई में हकीकत में भी बरी हो जाएंगे इस आरोप से, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो मुबारकबाद अनुभव सिन्हा ने दी है, आप उसे वाकई में मुबारकबाद मानते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का ऐसा तंज है जो लाल कृष्ण आडवाणी को उसके जीते जी नोचता रहेगा कि उन्होंने देश के ऊपर एक खूनी रेखा खींची थी। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर, यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।